अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कि अगर आपकी फ्रिज या रेफ्रिजरेटर कूलिंग कम करता है, फ्रिज का कंप्रेसर मसलसल चलता रहता है जिसकी वजह से आपके बिल में इजाफा हो जाता है, फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में बर्फ़ जम जाती है और इसका पानी बाहर नहीं निकलता, या अगर आपके फ्रिज का कंप्रेसर गर्म होने की वजह से ट्रिप करता है, तो इन तमाम मसाइल का हल आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड बटन को दबा के, बिल्कुल फ्री है, ताकि हर नई अच्छी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में तीन ऐसे काम बताऊंगा, अगर आप उन पे अमल करेंगे तो यकीनन आपके फ्रिज की कूलिंग बढ़ेगी। यहाँ पे आपको कंप्रेसर के ऊपर एक प्लास्टिक की ट्रे सी नज़र आएगी, ये बिल्कुल कंप्रेसर के ऊपर साथ अटैच होगी। इसका असल में मकसद कंप्रेसर को ठंडा रखना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लास्टिक की ट्रे जो है, ये कंप्रेसर को कैसे ठंडा रख सकती है। इस ट्रे के साथ ही आपको एक अदद पाइप नज़र आएगा, या इस ट्रे के ऊपर एक सुराख मौजूद होगा जिसके ज़रिए पानी जो है, फ्रिज का सारा पानी इस ट्रे के अंदर जाता है और ट्रे में मौजूद यही पानी कंप्रेसर को ठंडा रखता है। जितना ज़्यादा कंप्रेसर और हीट एक्सचेंजर ठंडा रहेगा, उतनी ही फ्रिज कूलिंग अच्छे अंदाज से कर सकेगी। तो दोस्तों, जो आपने पहले नंबर पे काम करना है वो ये है कि गर्मियों में रोज़ाना इस ट्रे को आपने सादे पानी से भर दिया करना है। इस ट्रे में पानी डालने से पहले आपने फ्रिज का प्लग लाजमी उतारना है। अगर कहीं पानी बाहर गिर जाता है तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा है। ये पानी फ्रिज के कंप्रेसर को भी ठंडा रखेगा और साथ ही साथ फ्रिज की बैक साइड पे ह्यूमिडिटी बरकरार रखेगा, जिसकी वजह से आपकी फ्रिज बहुत अच्छे अंदाज से कूलिंग करेगी। और दूसरे नंबर पे आपने जो काम करना है, उसके लिए आपको चाहिए एक बारीक सी मिसवाक। मिसवाक को आपने शार्पनर की मदद से पेंसिल की तरह तराशना है, यानी कि जैसे पेंसिल की आगे से तेज नोक होती है, उसी तरह आपने इस मिसवाक की आगे से तेज नोक बनानी है। बारीक सी मिसवाक आपको चाहिए, अगर मिसवाक मोटी होगी तो आपका काम नहीं चलेगा। यह आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर की ट्रे से एक पाइप होता हुआ ऊपर तक जा रहा है। ये पाइप दरअसल फ्रीजर के साथ अटैच है। फ्रीजर के अंदर जैसे जैसे बर्फ पिघलती है तो उसका पानी इस पाइप से होता हुआ सीधा इस ट्रे के अंदर आता है, और इसी तरह ट्रे के ऊपर एक सुराख मौजूद होता है जिसकी वजह से फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन का सारा पानी इस ट्रे के अंदर आता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सुराख मौजूद है जो कि बंद हो चुका है। दोस्तों, जैसे जैसे फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन का पानी और फ्रिज के ऊपर वाले पोर्शन का, यानी कि फ्रीज़र का ठंडा पानी इस ट्रे के अंदर आता रहता है, तो हमारा कंप्रेसर बहुत ठंडा रहता है और हमारी फ्रिज बहुत कमाल की कूलिंग करती है। वक्त के साथ साथ और फ्रिज की केयर ना करने की वजह से ये सुराख बंद हो जाते हैं या इसके पाइप में ब्लॉकेज आ जाती है, जिसकी वजह से पानी ट्रे तक नहीं पहुंचता और हमारी फ्रिज की परफॉर्मेंस मुतासर होती है। तो अब आपने दूसरे नंबर पे इस मिसवाक को, जिसको हमने पेंसिल की तरह तराशा था, इसको इन सुराहों के अंदर अच्छी तरह से मारना है, ताकि इनके अंदर किसी भी किस्म की ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो सके। दोस्तों, आपने इन सुराहों को खोलने के लिए कोई तार वगैरह हर गिज यूज़ नहीं करनी। पेंसिल की तरह तराशी हुई बारीक सी मिसवाक के इस्तेमाल से फ्रिज के ये सुराख भी बआसानी खुल जाएंगे और फ्रिज को किसी भी किस्म का नुकसान भी नहीं पहुँचेगा। अगर आपकी मिसवाक सुराख से थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है तो आप इसको छुरी की मदद से इस तरह बारीक कर सकते हैं। मेटल की तार या किसी और सख्त चीज़ के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके फ्रिज की बॉडी डैमेज हो सकती है, बल्कि इसके अंदर वाला पाइप भी फट सकता है, इसलिए आपने लोहे की तार वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी। फ्रिज के ऊपर वाले और फ्रिज के नीचे वाले हिस्से के सुराहों को अच्छी तरह से खोलने के बाद अब आपने तीसरे नंबर पर जो काम करना है वो ये है कि आपने फ्रिज को थोड़ा सा दीवार से हट कर रखना है, यानी कि फ्रिज की बैक साइड को थोड़ा दीवार से फासले पर रखना है, ताकि इसके दरमियान हवा की क्रॉसिंग हो सके। आप कम से कम एक हाथ जितना फासला रख सकते हैं। हम अक्सर औकात ये गलती करते हैं कि फ्रिज को दीवार के साथ लगा के रख देते हैं, बिल्कुल ही थोड़ा सा फासला होता है जिसकी वजह से हवा की क्रॉसिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से फ्रिज का कंप्रेसर और हीट एक्सचेंजर मुसलसल गर्म रहता है और हमारी कूलिंग नहीं होती। दोस्तों, फ्रिज के थर्मोस्टेट की सेटिंग के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में जाके या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। फ्रिज की कूलिंग के बहुत सारे मसाइल थर्मोस्टेट की वजह से भी आते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये थर्मोस्टेट की वायर है,
ये असल में इसका सेंसर है जो टेम्परेचर को सेंस करता है। इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो मिल सके। अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आपका कोई और मसला है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह बरवक्त जवाब दूंगा और उस मसले के ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।